नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त एनके शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरी खेती मेरी फसल पर। आज तारीख है 21 अगस्त और ये है हमारा बाजरा का खेत। इसको 9 जुलाई को बोया था, इस तरह से ये हो गया आज 42 दिन का। हमने 30 दिन में स्प्रे किया था एट्राजिन का और उसके बाद हमने इसमें दे रहे हैं फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र शेड्यूल में आपको थोड़ा बता दूं, हमको बाजरा की खेती में, मैं आपको चारों तरफ से पैनोरामा दिखाता हूं, बाजरा की खेती में कम से कम 32 से 40 किलो नाइट्रोजन देना चाहिए, 20-22 किलो 23 किलो हमको देना चाहिए फॉस्फोरस और 10 से 15 किलो पोटास। तो बिजाई के समय आप DAP डालते हैं, हम भी डालते हैं, लेकिन यदि कभी कभी जब बरसात हो जाती है तो हम जल्दी से बखेड़ते हैं तो हम DAP या बेसल डोज को आप अवॉइड कर सकते हैं। हमने भी नहीं अवॉइड दिया था, यानी हमने भी अवॉइड किया था, उस समय समय नहीं होता, किसान जल्दी में होता है। लेकिन उसके बाद हमको यूरिया ज़रूर देना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या यूरिया देना चाहिए, तो हम आज इसमें दे रहे हैं यूरिया, और यूरिया का हम कर रहे हैं दूसरा वाला। हमको यूरिया यानी नाइट्रोजन 32 से 40 किलो देना है, तो 60 से लेके 70 किलो 75 किलो प्रति एकड़ यूरिया देना चाहिए। आप उसको दो टुकड़ों में तोड़ लें, यानी 30 से 35 किलो पहली बार और 30 से 35 किलो दूसरी बार। पहली बार दें जब आपका हर्बिसाइड यानी कोई खरपतवार नाशक दवा दिया हो, उसके तुरंत बाद 25 दिन की फसल हो, 30 दिन की फसल हो, और दोबारा दें 45 से 50 दिन। हम कहें कि बाली, जब हमारी लोकल भाषा में कहें तो बाली जब कोथवाने लगी हो, ये बाजरा की आखिरी अवस्था है। इसके बाद बालियां निकलने लगेंगी। मैं आपको दिखाता हूँ, बाजरा 5 फुट 5.5 फुट ऊँचा है। इस बार पिछली बार बाजरा किया था 14 कुंटल हुआ था, इस बार कम हुआ, कम लग रहा है उसकी। और ये हम दे रहे हैं दूसरा यूरिया 43 दिन पर, इससे बाद ऊंचा हो जाएगा, इसलिए फेंक नहीं पाएंगे। ये देखिए, इस तरह से पूरे खेत में, ये 3.5 एकड़ का खेत, और ये वैरायटी है हमारी पुरानी वैरायटी है, उसको हमने इस बार भी उसी वैरायटी के लिए लगाया है, वो है न्यूटाइट। देखिए बखेर रहे, ऐसे आएंगे ऐसे जाएंगे, इसलिए नाइट्रोजन को यानी यूरिया को, और पहली बार हमने दिया था इसमें हमें माइक्रोन्यूट्रेंट भी मिला के दिया था, यानी कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिला के देने चाहिए, जैसे हमने जानदार दिया था, आप कोई भी डाल सकते हैं, वो 5 किलो प्रति एकड़ पहली बार में, दोबारा में देने की कोई आवश्यकता नहीं। यूरिया शाम के समय दें ताकि रात में घुल जाए और पौधों पर लोड ना पड़े। ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, और यदि जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे किसान भाई को शेयर करें। जय हिंद, जय किसान।